हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जेसिका एंड वेलकम टू जेसिकास क्लासरूम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकेजी क्लास के हिंदी के कुछ टॉपिक्स के बारे में, कैसे आप बच्चों को पढ़ाएं, क्या क्या टॉपिक्स आप करा सकते हैं बच्चों को उनके क्लास के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तीन वर्णों वाले शब्द। दो वर्णों वाले शब्द मैंने पिछले वीडियो में कराए थे, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। पिछली वीडियोस में बहुत सारी वर्कशीट भी दी गई थी बच्चों के लिए, जो कि बच्चे घर बैठ के आराम से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं और वैसे भी सर्च कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं तीन वर्णों वाले शब्द आपके सामने, पिक्चर्स बनी हुई है। महल, रिपीट करेंगे बच्चे मेरे साथ, महल, नयन, कमल, मटर, नमन, मगर। अब ये सारे तीन वर्णों वाले शब्द थे, यानी इसमें तीन वर्ण दिए गए थे, इनको मिलाया गया था तब एक शब्द बना था। दो अक्षर वाले शब्द हम पिछले कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अब हम ये करने जा रहे हैं। देखिए, नीचे आपको कम से कम 15 से 20 ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कि बच्चों को आप रीड कराए सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को इसको ओरल वर्क पे, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लेते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, बच्चों को आप ओरल वर्क कराएं, बुलवाएं, उसके बाद रिटर्न वर्क कराएं। अगर आप जाते ही बच्चों को लिखने के लिए दे देंगे तो वो बच्चे सिर्फ रट्टाफिकेशन करेंगे जल्दी जल्दी काम करके और काम खत्म। तो एक सही तरीका है इंट्रोडक्शन कराने का किसी भी नए टॉपिक से, कि बच्चों से पहले पूछें चीजें और उनसे रिपीट कराएं। जैसे कि नरम, पकड़, अटक, टहल, अगर, अमन। तो बच्चा जब ये सारे वर्ड्स बोलेगा, बेशक चाहे कुछ एक बार में ना सीखे, बट उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये तीन अक्षर वाले और दो अक्षर वालों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज दी गई है, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखो। यानी बच्चे जानते हैं अलग अलग वर्ण क्या होते हैं और उनको जोड़ दिया जाए, यानी इसमें जो प्लस का साइन है उसके बीच में से हटा दिया जाए तो एक शब्द बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं नोटबुक में करने के लिए, बुक में करने के लिए। बुक है तो वेरी नाइस, अगर नहीं है तो नोटबुक में आप इस तरीके से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, पिक्चर्स बनी हुई है। यूकेजी क्लास तक, फर्स्ट क्लास तक पिक्चर्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे पिक्चर्स को देख के सीखते हैं। जो विजुअलाइजेशन लर्निंग होती है वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती है ना, बच्चे जो देख के सीखते हैं वो ज्यादा देर तक याद करते हैं, बच्चे जो सुनते हैं वो थोड़ा कम देर तक याद करते हैं। तो हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को आइडेंटिफाई कराना है, पहचान करानी है कि ये कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द लिखा हुआ है। तो ये एक्सरसाइज आप बच्चों को जरूर कराएं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नीचे दिए गए वर्णों के वर्णों से शब्दों को पूरा करें। अब देखिए, यहां पे आपको फिशेस देखिए, फिश 1 2 3 4 5 6 फिश। यहां पे उनके बीच में क्या लिखा हुआ है, अक्षर लिखे हुए, जैसे कि बड़ा आ, ब, च, ज, र, ठ। और नीचे देखिए पूल बना हुआ है, पूल, स्विमिंग पूल, जिसमें फिश रहती है। तो वहां पे क्या है कि बहुत सारे अक्षर लिखे गए हैं। हमें क्या करना है, जो फिश के ऊपर अक्षर लिखा है उसको इस पूल वाले अक्षर से एक निकाल के मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आ, तो आ लिखा हुआ है पहली फिश पे, मैंने लिख दिया नीचे आ। अब मैं पूल में देखूंगी कि इसमें कौन सा वर्ड, कौन सा अक्षर है जो मैच कर सकता है, वर्ड बना सकता है। जैसे कि आग, आग तो कुछ नहीं होता, आग आग होता है, आम आम भी होता है, आज आज भी होता है, आंख आंख भी होता है, लेकिन उसमें अंक की मात्रा लगती है तो उसमें हम आग या फिर आम लिख सकते हैं। सेकंड देखिए ब, तो ब के साथ मैं क्या मिलाऊं कि एक नया वर्ड बने, नीचे जो पूल दिया हुआ है उसमें से मैं स मिला देती हूं तो बस बन गया। तो इस तरीके से आप बच्चों को, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को नए नए वर्ड्स बनाने के लिए, नए जैसे दो अक्षर तीन अक्षर के शब्द बच्चे खुद बना सकते हैं। अगला पेज आप देखेंगे, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य को पूरा करें। देखिए, चित्र बने हुए हैं, सबसे पहले किस चीज का चित्र है, एक चित्र है फल का, और फिर डैश चक कर उधर रख,
तो क्या है आम, तो आम चख कर उधर रख। दूसरी एक पिक्चर है डैश पर चढ़, डैश पर मत चढ़, बताइए मैम। बस पर चढ़, रथ पर मत चढ़, इस तरीके से। सड़क पर टहल, अब उपवन चलकर टब भर, घर पर चल खत लिख, खत पढ़कर रस चख। तो इस तरीके से आप बच्चों को देखिए, जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं उनके थ्रू बच्चे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सोचने में मजबूर होंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। सो आज हमने इनडायरेक्टली तीन वर्कशीट की है, एक तो प्लस वाली, दूसरा ये जो फिश वाली थी, और ये तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली थी। बच्चों को ये वर्कशीट जरूर कराइए और ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कराइए, बुक में भी और नोटबुक में भी। तो तीन जो अक्षरों वाले जो शब्द हैं बच्चों को आपको वैसे भी लिखवाने हैं, प्लस के टाइप से भी, और नॉर्मली जो नीचे बॉक्स दिया गया था उससे भी आप बच्चों को कॉपी में करा सकते हैं। ये आपको एक दिन में नहीं कराना, दो तीन दिन का टाइम ले सकते हैं आप, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की सब्जेक्ट वीडियोस अपलोड होती हैं, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।